मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आप सभी का बहुत बहुत फिर से वेलकम है और मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। सो आज मैं आपके सामने फिर से आ गई हूं एक नए टॉपिक को लेके, और ये टॉपिक जो आज का हम बात करने वाले हैं वो बहुत सारे लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि मैम प्लीज़ KGMU लखनऊ की जो BSc नर्सिंग्स के एग्ज़ाम्स हैं उसका लेटेस्ट सिलेबस इस साल का क्या है वो बता दे। तो मैं उन्हीं के रिक्वेस्ट से ये आज का लेक्चर वीडियो आपके सामने लेके आई हुई हूँ। आई होप कि आज का ये लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा लेक्चर वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट्स भी कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी के मैं आंसर्स दे सकूँ, रिप्लाई दे सकूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज हम सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बार KGMU लखनऊ BSc नर्सिंग एग्ज़ाम्स का कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स जो है देना चाहते हैं, वहाँ से नर्सिंग करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा आज का। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स है KGMU BSc नर्सिंग्स के, इसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो हम चारों सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में आज डील करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हमारे पूछे जाते हैं KGMU लखनऊ यूनिवर्सिटी में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के पेपर्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िक्स के सिलेबस की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि जो फिज़िक्स का सिलेबस है आपका, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैं इसको डार्क कर देती हूँ। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करेंट, लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटॉमिक फिज़िक्स, इसके अलावा न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड देयर एप्लीकेशन। सो ये आपका जो है फिज़िक्स का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की। ये वीडियो मेरा बहुत लंबा नहीं है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप बस सिलेबस में मैंने खाली सिलेबस क्या है आपका उसी टॉपिक पर बात की हुई है कि आपको ये सिलेबस पता चल जाए और उस हिसाब से तैयारी करें। केमिस्ट्री की सिलेबस की बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है अल्कोहल एंड ईथर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, PD एंड FP ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड एंड बायोमोलिक्यूल्स, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइसोमेराइज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये आपका हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस KGMU BSc नर्सिंग का। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस की। बायोलॉजी के सिलेबस में हम देख सकते हैं क्या क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, टेक्सोनॉमी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, यस दोनों आएंगे, ह्यूमन एंड फ्लावरिंग दोनों, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, यहाँ पे आप जेनेटिक्स में भी दोनों देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी देख सकते हैं, प्लांट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी देख सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये आपका हो गया BSc नर्सिंग KGMU का बायो का सिलेबस। अब थोड़ा जनरल इंग्लिश का सिलेबस भी देख लेते हैं। सॉरी, क्या है जनरल इंग्लिश में, कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, स्पॉट एंड एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सफलिंग एंड सेंटेंस पार्ट, क्लोज पैसेज, डिटेक्टिंग मिसस्प्लिट वर्ड्स, वर्ड्स इम्प्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड सिनोनिम एंटोनिम्स। तो ये आपका हो गया जनरल इंग्लिश का सिलेबस BSc नर्सिंग KGMU एंट्रेंस एग्जाम्स 2021 के लिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में हर सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को आप अगर तैयारी कर रहे हैं, इस साल आपका टारगेट है KGMU में पढ़ने का, निकालने का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो आप बिल्कुल भी ये सारे टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक्स को मत छोड़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है अभी भी, और ये आपका सिलेबस जो है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप एक टारगेट बना सकते हैं कि आपको कितना कितना पार्ट कब कब तैयार करना है, अकॉर्डिंग टू आप टाइम टेबल बना लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल पड़े। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।